साते मरो हाँ हकीकत बात पूछो ना तो 72 साल को हूँ पौनी बाढ़ मेर में बोतल ले पियो है जिंदगी आज तो यूँ बसाई है। घनाई साहब कुकण में कोई कार नहीं राखी, पौनी नहीं है प्रियंका जी, पौनी नहीं है कैलाश, पौनी नहीं है उम्मीदाराम जी, नारे घरे गांव में जिंदगी बसण को कोई साहब हमारे परमंद है नहीं तो निश्चित कर दीनी कि जिंदगी पौनी वास्ते साहब हमारी में उड़ रही है। मैं बड़े मुश्किल हूँ मरो हाँ, गर्मी रो मौसम आयो रो, पानी रो कोई एक ही परमंद नहीं, एक ही मारो हाल है नहीं। साथियों नमस्कार, मैं हूँ आपका दोस्त कालू माली। साथियों हकीकत में आज मैंने ये जो माना राम जी भरोटिया है 72 साल के है, इनका दर्द मैंने सुना। हकीकत में साथियों आंखों में आंसू आए, ऐसा माहौल बन गया। साथियों इस व्यक्ति ने क्या शब्दों में कहा है उसका बयां नहीं कर सकते अपन, और इन नेताओं तक इस खबर को पहुंचा दो साथियों प्लीज़। तो इन प्रशासन की आंखें खोले, इनकी बंद आंखें पड़ी है ना, इसको तुरंत ये नेता खोले। और नेता सिर्फ वोट मांगने के लिए आते हैं, इनकी समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। इस मानाराम ने 70 वर्षीय बुजुर्ग ने ऐसी बात कही है और सुनकर हैरान हो जाओगे साथियों। तो सबसे पहले मैंने मानाराम जी की क्लिक डाली है छोटी सी, उसके बाद इनकी पूरी बाइट डाली है। इस बाइट को सुनो ये साथियों, इस 70 वर्ष के व्यक्ति ने क्या कहा है वो सुनो आप। धन्यवाद। मानाराम जी कितो आया हो? भुरटिया हूँ। की कराया था? साते मरो हाँ, हकीकत बात पूछो ना तो 72 साल को हूँ पौनी बाढ़ मेर में बोतल ले पियो है जिंदगी आज तो यूँ बसाई है। नारे घरे गांव में जिंदगी बसण को कोई साहब हमारे परमंद है नहीं तो पौनी कोई पताल में है, नहीं कोई हदी में है, नहीं कोई पौनी कितू 10-15 किलोमीटर साजन में लावो तो पौनी मिले कोई नहीं। मैं निश्चित कर दीनी कि जिंदगी पौनी वास्ते साहब हमारी में उड़ रही है। इन वास्ते आया कलेक्टर कुटे भाई पानी की कोई भी सुविधा हुए, नहीं तो साहब मैं तो मैं बड़े मुश्किल हूँ मरो हाँ, गर्मी रो मौसम आयो रो, पानी रो कोई एक ही परमंद नहीं, एक ही मारो हाल है नहीं। लेनो बसाई तो वो कह के मैं तो मेरे ठेके में पूरी कर दी नहीं, दूजड़ो आयो तो कि मेरे ठेके में पूरी की भी औदी भरूड़ी भी है, पर लेनो गाँव में है गंट संट भी एक रूढ़ी पड़ी है, कोई है नहीं अधिकार। उन्होंने कहे तो कि नहीं नहीं मेरा नहीं है, वो कहे ऐसे मेरा नहीं है, जो ऐसी हालत है साहब अब और तो मैं आपने क्या बताऊंगा। आया थे कहो को नहीं घनाई साहब कुकण में कोई कार नहीं राखी, पानी नहीं है प्रियंका जी, पानी नहीं है कैलाश, पानी नहीं है उम्मीदाराम जी, हर आदमी के आगे हमें हाथ जोड़ जोड़ रिफ्लेक्ट किया तो के हम भेज देंगे कल भेज देंगे ऐसे ऐसे, मतलब हमारे को विश्वास दिया पर पानी का काम हुआ नहीं। तो थाना में की लागे प्रियंका जी पुगा दे पानी पाइपलाइन? प्रियंका जी को सा मन विश्वास तो आयो पर पानी आयो कोई कहो के मैं पानी बाप जी आप रे बाबा भेज दूंगी पानी का सब कुछ करूंगी, मैंने आशीर्वाद सुन दियो ने भेज दोने पानी रो जाए मामलो पर पानी रो साहब होयो नहीं। तो मैं केला जी कहे नहीं के हूं जीतने के बाद पानी पुगा दे घर घर भाई कह तो क्या शाही में झूठ है कौन के मैं जीतने हूं दूसरे तीसरे दिन की नरो कर दे के। तो 5 साल पहले रहा था एमपी पहला रे ना पानी दूजे को आवे यो बिन माते जस लियो रो वो पानी हूं भेजतो के हम कहीं करो पानी हो जना झूठ तो बोली जे कोनी हमें बिल्कुल पानी 1 साल होगी जो कोई पानी है नहीं। तो आज से की कमाया है आज से मरता कलेक्टर जी के बात करने आया वो ज्ञापन देवन वास्ते साहब ते मरो कोई वे तो इलाज बताओ नहीं तो या तो इस धरनो देन मरो नहीं बस घर में मरो जो सूचना या पर पाए भुंडियर में लोग थे मरता मर गया यूं दूजी तो वेला कोई। तो हमें पानी के तू लाओ? हमें पानी पहला तो उतर लाई नाडी हूँ कोई बाप जी आप मेरे गले पड़ बाप जी ते मरो मैं आप रम मतलब गांव रहा हूँ मने ही हूँ कि नहीं टंकड़ी भरा था हमें पानी है कोई भी नाडी में तो नहरों कोई मारे पताल में पानी है नहीं 10-15 किलोमीटर कवास में नहीं भुंटिए में नहीं पानी के तू लाओ जिन्ना देती आया हूँ थोड़ी बहुत पेहटी पानी मिलते हो मेरे खड़ा हो क्यों हो बाट टंकी ढोलाओ तो कितना पिया लगे टंकी ढोलाओ थी आज तो कि 1500 दे दू तो ऐसा मीठे पानी को कोई हो नहीं दे रो है हमारे गांव में है बेड़ा हाल जो दी पा 2000 रुपया दे हूँ आदमी यस कर लियो मैं झूठो हूँ कैसा 2000 रुपया दो मीठे पानी लेना हूँ मार के क्या आई कौन मीठे पानी नहीं है झूठ नहीं है ऐसा पानी जोगा सर में हो तो बेरो भी तो बंद है कवास में है नहीं वहाँ है नहीं उतलाई में था नाडी में हम झूठ करे नहीं और भुंटिए के अंदर तो 600
800 फुट पानी खोद के तुम मार कर लियो, पताल में पानी मीठा है नहीं, और क्या करें बताओ। ठीक है, नाम की है थारो पूरो? मेरो नाम मोनाराम चौधरी, गांव भुंडिये को मूठ जाति को। ठीक है, धन्यवाद। अच्छा, मारा नाम उत्तम चंद चौधरी, सरपंच प्रतिनिधि भुटिया। की कराया था आज? आज तो यूं आया साहब, भुटिया में पानी की काफी टाइम किल्लत है, तो कई बार अधिकारियों ने सूचित किया, कई बार अधिकारियों मौखिक मिला, कई बार लिखित में भी दी अधिकारियों ने, तो कई बार अधिकारी कोशिश भी की आया, वह ठेकेदारों ने भेजा, तो काम कहीं चालू हो फिर पास बंद हो जाए, चालू होता है फिर बंद हो जाता है। तो भुटिया के अंदर आज के टाइम में पानी की भी बहुत ज्यादा किल्लत है, तो जेजेएम के अंदर जो काम चल रहा है उसमें भुटिया में 25 कनेक्शन ऐसे है मुलोली मेघ वालों की ढाणी के, जो वो कोई सर्वे में नहीं दिए हुए, वो पार्ट ए वालों को बोलते वो हमारे सर्वे में नहीं है, पार्ट बी वालों को बोलते वो बोलते हमारे सर्वे में नहीं है, तो वो 25 घर आज भी वंचित है जेजेएम के अंदर, उनका कनेक्शन नहीं हो रहा है, दोनों मना कर रहे हैं कि कनेक्शन नहीं हो रहा है, और पानी की किल्लत है, उसके लिए मैं कलेक्टर साहब ज्ञापन देने आया है। उसमें भी क्या दो कंपनियां काम कर रही है, एक कुछ जो हौद बना हुआ है मुख्यालय पे, उस हौद से जो वीटीसी बनी हुई है हर रेवेन्यू के लिए, तो वहाँ वीटीसी तक का काम है, वो श्री हरि करके कंपनी उसका है वहाँ तक, और वीटीसी से आगे जो हर घर के लिए कनेक्शन है वो पुंगलिया करके उनका कनेक्शन है, तो वो दोनों क्या के जो बड़ा हौद बना हुआ है उसके अंदर अब आज पानी है, उसके अंदर दो तीन दिन से पानी पड़ा है, लेकिन वहाँ से वो दोनों तीनों रेवेन्यू विलेज के लिए वहाँ से पाइप तोड़ पड़ रहे, पाइपों को जोड़ने के लिए बोल रहे हैं, तो पुंगलिया वाले बोल रहे हैं कि वो श्री हरि वालों ने तोड़ दिया उनका काम है, और श्री हरि वालों को बोल रहे हैं कि पुंगलिया वालों का काम है, वो दोनों कंपनियां हमारे को इधर से उधर कर रही है, वो पाइप टूटी पड़ी आज 5-7 दिन से, हम बार बार उनको फोन करते हैं, जा रहे हैं मिल रहे हैं। आज किससे मिलने आए? आज कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया है। पानी की कमी कब से है? पानी की कमी तो वैसे 2 साल से थी, लेकिन साल भर से ज्यादा थी, तो इधर उधर से चलाते रहते थे, बीच में काम चल रहा था, तो हमने भी सोचा चलो हर घर वाला काम चल रहा है नल कनेक्शन का, तो ये पूरा होने के बाद हो जाएगा, अब वो पूरा भी हो गया, तो अभी पाइप जोड़ने के लिए वो जो हद के पास में वीटीसी के पास जो पाइप जोड़ने के लिए वहाँ पे वो झगड़ है, एक बार बोला श्री हरि वाला करेगा, ठीक है ठीक, वो करेगा ठीक, अभी दो एक महीने से बहुत ज्यादा है, अभी खारे पानी की टंकियां ला रहे हैं बेरिया से, ये स्थितियाँ हम प्रशासन से ये मांग कर रहे हैं कि हमारे भुटिया में पानी की व्यवस्था कराए सुचारू रूप से, और वो जो काम अधूरा वो जल्दी पूरा करवावे, और जो जगह जगह रोड को तोड़ दिया ठेकेदार ने वो रोड वापस रिपेयरिंग करवावे, और जो घर वंचित है उनको वापस नल कनेक्शन जुड़ो है, 25 घर वंचित है सर्वे करवा के। नाम आपका कहाँ से हो? मेरा नाम मीरा राम विराट, सरपंच प्रतिनिधि मातासर। क्या समस्या है, ज्ञापन देने आए हो? आज हम पानी की समस्या को लेकर जिला कलेक्टर महोदय को ज्ञापन देने के लिए आए। मतलब कितने दिन से समस्या है, क्या है पूरा बताओ ना। पिछले 2-3 साल से हमारे पानी की बहुत भयंकर समस्या है। हाँ, हर घर नल योजना के अंतर्गत घर घर नल कनेक्शन, पानी की पाइपलाइन बिछा दी है, लेकिन पाइपलाइन खाली हवा ही आ रही है, पानी नहीं आ रहा, और जीएलआर बन गए हैं उसमें पानी नहीं आ रहा है, और कई कनेक्शन भी छूट गए हैं, वो छोड़ के चले गए वापस, अभी तक तो आए नहीं सर। तो इसको लेकर आपने कभी अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा है? दो महीने पहले हम और आए थे, जलदाय विभाग अधिकारियों कर्मचारी से मिले, उन्होंने कहा पानी आ जाएंगे, अभी तक तो पानी आया नहीं। तो अब आज किसको ज्ञापन देने आए हो? कलेक्टर साहब से मिले, उन्होंने जलदाय विभाग से बात करी है। हाँ। और ज्ञापन भेजा है कि पानी व्यवस्था करें। ठीक है।